Assalamu alaikum, I am Dr. Rafiq Pitafi here, going to discuss about the intrauterine device, IUD. ये एक ऐसी डिवाइस है या एक ऐसी चीज़ है जो प्रेगनेंसी को रोकने के लिए स्पेशली यूज़ की जाती है. इसको हम कंट्रासेप्टिव में काउंट करते हैं और ये कंट्रासेप्टिव फीमेल बॉडी के अंदर जो आपको कॉपर IUD लिखा हुआ नज़र आ रहा है, इसको हम कॉपर टी कहते हैं. और ये फीमेल वेजिना के अंदर स्ट्रिंग की मदद से या स्ट्रिंग धागा रखा हुआ होता है, उसके साथ जो है फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के अंदर हम इंजेक्ट करते हैं. आई हम देखते हैं कि ये कैसे वर्क करती है, किस तरीके से. तो ये इसके दो सिरे होते हैं ऊपर की तरफ, उसको जो है मिला के जो है वो अटैच्ड होते हैं इस तरीके से. ये एक पूरी शेप है, इस तरीके से ये स्ट्रक्चर है. इसको फीमेल यूटरस और सर्विक्स वाले रीजन पे, क्योंकि ये एक पार्ट होता है और इसके दो टाइप्स होते हैं इसके, जो हमारे पास जो हैं IUT है या आप कह सकते हैं जो कॉपर टी है स्पेशली, उसका एक टाइप होता है स्पेशली. वन इज़ नोन एज इंट्रा यूटराइन वॉल के लिहाज से जो हैं दो जो हैं टाइप की चीज़ें हम यूज़ करते हैं. वन इज़ कॉपर कोटेड IUD एंड अदर इज़ द हार्मोनल IUD. इनमें फ़र्क ये होता है कि कॉपर कोटेड जो IUD होती है उसमें कॉपर लगा होता है और जो हार्मोनल होती है उसमें हार्मोन सीक्रेट होते हैं. ये 99% इफ़ेक्टिव है, ये प्रेगनेंसी से बचाती है. ये तकरीबन 3 से 10 साल तक जो है प्रेगनेंसी को रोका जा सकता है. ये 3 साल तक 5 साल तक 10 साल तक भी जो है फीमेल जो है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के अंदर इसको रखा जाता है और ये इफ़ेक्टिव, बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव हैं. और इसका फ़ायदा ये होता है कि ये हार्मोन्स बॉडी के अंदर जो चेंजेस हैं वो चेंजेस नहीं होती. अब इसको एड किया कैसे किया जाता है, ये एक मशीन होती है या एक ऐसी चीज़ होती है जिसकी मदद से हम इसके सिरे जो हैं उसके अंदर फिक्स करते हैं, पर उसके बाद अंदर जो है इंसर्शन ट्यूब की मदद से इसको इंसर्ट किया जाता है. और इसी इंसर्ट ट्यूब की मदद से जब इसको हम अंदर एड करते हैं तो ये एक फीमेल बॉडी के अंदर इस तरीके से एड किया जाता है. इसका एक सिरा, एक ट्यूब जो है बाहर की तरफ होता है. इसको हम खींच के भी देख सकते हैं या इसको टच करके भी हम देख सकते हैं, क्योंकि ज़्यादातर चांस होता है कि ये अंदर न चली जाए. तो इसको रिमूव करने के लिए भी इसको इसी तरीके से खींचा जाता है और बाहर हम निकाल सकते हैं, इससे रिमूव कर सकते हैं. तो ये इसके जो दो सिरे होते हैं इंसर्शन ट्यूब के अंदर इसको फिक्स किया जाता है, फिर फीमेल बॉडी के अंदर हम इसको इंसर्ट करते हैं. अब ये फीमेल बॉडी के अंदर ये इन्फ्लेमेशन भी क्रिएट करता है. तो जब स्पर्म जो हैं इस जगह से क्रॉस कर रहे होते हैं तो ये इन्फ्लेमेशन की मदद से उसको किल करते हैं या अनफेवरेबल मीडियम प्रोवाइड करते हैं और ये स्पर्म जो हैं ज़्यादा देर तक रह नहीं पाते और मर जाते हैं ये. और दूसरी चीज़ ये होती है कि ये कॉपर टी जो अंदर है IUD जिसको हम कहते हैं, ये फीमेल यूटराइन वाल के साथ एम्ब्रियो को अटैच भी नहीं होने देती, एम्ब्रियो को अटैच होने भी नहीं देती. और दूसरी चीज़, ये जो कॉपर टी है स्पेशली कॉपर वाला जो वायर जो नज़र आ रहा है आपको, ये कॉपर टी जो है ये स्पेशली जो वेजाइनल और जो सॉरी यूटराइनल रीजन है उसको जो है थिन करने में भी ये मदद कर रही होती है. उस जगह पे ये स्पेशली इन्वर्ट की जाती है, अटैच की जाती है. और ये जो दूसरी प्रोजेस्टेरोन या हार्मोनल है, ये प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की सिक्रिएशंस को कंटिन्यू रखती है और इसका काम ये होता है कि फीमेल वेजाइनल रीजन और जो यूटराइन रीजन और सर्विकल रीजन जो है उसको कोलैप्स कर देती है, ताकि स्पर्म जो हैं ये आगे मूव ना कर सकें, ताकि स्पर्म्स जो हैं इस जगह से क्रॉस करके यूट्रस के अंदर ना जा सकें. और यूटराइन वाल को भी थिन करती हैं, क्योंकि प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की सिक्रिएशन की वजह से यूटराइन वाल जो हैं इतनी डेवलप नहीं हो पाती, जिसकी वजह से वो थिन रहती है और ईजी टू अटैचमेंट या इम्प्लांटेशन वाला प्रोसेस भी प्रोसीड नहीं होता. तो इस तरीके से ये कॉपर टी का एक मैकेनिज़म है और इसी तरीके से ये स्पर्म्स जो हैं ओवम जो हैं बॉडी से ये रिलीज़ हो जाता है और स्पर्म के साथ वो मिल नहीं पाते, जिसकी वजह से फर्टिलाइजेशन नहीं होती. तकरीबन ये वाला जो तरीक़ेकार है 3 साल तक ये इफ़ेक्टिव मेथड है. कॉपर टी है वो जो है तकरीबन 3 से 10 साल तक इफ़ेक्टिव है और ये हार्मोनल जो है तकरीबन
तीन साल तक ये इफेक्टिव मेथडोलॉजी होती है। इससे कम्प्लीटली जो है प्रोटेक्शन होता है। अगर पेन हो तो खुदा ना खास्ता पेन हो तो फिर इसको आसानी से रिमूव भी किया जा सकता है। इसके कुछ एडवांटेजेस भी हैं और डिसएडवांटेज, एडवांटेजेस ज़्यादा हैं। जैसे हाईली इफेक्टिव एंड वेरी सेफ मेथड है ये, डज नॉट इंटरफेयर विद द इंटरकोर्स, ईजी टू यूज़ है, लॉन्ग लास्टिंग है, ईजिली रिवर्सिबल है, क्विक रिटर्न टू फर्टिलिटी है, नो सिस्टमेटिक इफेक्ट हैं, कॉम्प्लिकेशंस आर रियर हैं इसके अंदर। और डिसएडवांटेजेस हैं, साइड इफेक्ट इंक्लूड द कंपेयरिंग एंड इंक्रीज आर प्रोलॉन्ग ब्लीडिंग हो सकती है, और रियर कॉम्प्लिकेशन इंक्लूड द परफोरेशन एंड पेल्विक इन्फ्लेमेशन हो सकती है, मेथड फेल्योर कैन लीड टू द एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो सकती है। रियर है ये बिल्कुल। और इसी तरीके से ये कुछ और मैकेनिज्म्स भी